अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान ज़ाहिद। आज की जो रिएक्शन वीडियो मैं लेके आया हूँ वो बेसिकली पाकिस्तान, जिसे इंडिया के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। हालांकि बाज़ लोग पाकिस्तान में इंडिया से बड़ा दुश्मन इसराइल को समझते हैं। आज हम 2020 की एक लिस्ट आई है, पाकिस्तान वर्सेज इसराइल मिल्ट्री पावर कंपेरिज़न। आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन देंगे, पहले इसकी लिस्ट देखते हैं और साथ ही इसका रिएक्शन देंगे। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ ही। सबसे पहले कैपिटल इस्लामाबाद और यरूशलम, उसके बाद पॉपुलेशन है जी 216 एंड 2091। टोटल मिलिट्री इसमें कम है, बहुत करीबन हाफ हाफ का फर्क है। एक्टिव पर्सनल जो फौजी मौजूद होते हैं लड़ने के लिए वो 6,53,000 पाकिस्तान के और 1,76,000 इसराइल के, ये अधे भी नहीं। कमबैक टैंक 2866 और 3110, थोड़ा सा फर्क है। AFV 4205 7766। ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान और इसराइल की जो है वो वेपन्स चेंज होते हैं। हर मुल्क जो है ना वो अपने इलाके के हिसाब से अपने वेपन्स को चेंज करता है, क्योंकि जैसी ज़मीनों पर उन्होंने लड़ना होता है ज़्यादातर वो मुल्क उसी चीज़ उसी किस्म के जो है ना वो मिलिट्री वेपन्स बनाते हैं। रॉकेट प्रोजेक्टर रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये तकरीबन बराबर हैं। एयरफोर्स ₹1434 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के हैं और 772 इसराइल के हैं। जंगी जहाज 356 पाकिस्तान है और 293 फर्क है। इसमें फर्क है। हेलीकॉप्टर 361 पाकिस्तान के पास हैं और 168 जो इसराइल के पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर 55 और 48, ये तकरीबन नज़दीक नज़दीक है तकरीबन। टैंकर 430। ये कंट्रोल सिस्टम होते हैं। फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। रकबे के लिहाज भी बहुत ज़्यादा फर्क है पाकिस्तान और इसराइल में, और आबादी के तो सारे फर्क है। नेवी अच्छी होगी इनकी थोड़ी बहुत। बहुत ज़्यादा फर्क आ गया यार। मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रॉयर 00। साले को ये भी है नहीं। नजदीक नजदीक है। जीरो न्यूक्लियर वेपन्स 140-150 पाकिस्तान के पास है और उनके पास 80 हैं। अच्छा जी, वीडियो अभी कंप्लीट। बेसिकली पाकिस्तान और इसराइल में जो मिलिट्री पावर्स हैं ना तकरीबन फ़र्क है, मगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। मगर पाकिस्तान के एसेट्स और जो टेक्नोलॉजीज हैं ना वो इसराइल से बेहतर हैं। बहुत सी जो इलाके और मुल्क होते हैं वो वेपन्स अपने इलाके के हिसाब से बनाते हैं। जैसे इसराइल को भी अभी फ़िलहाल जो है ना वो ऐसे हथियारों की ज़रूरत नहीं है जैसे कि अमेरिका के पास हैं, और ना ही पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।